नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं चार झा घंटे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडागोजी के टोटल 30 क्वेश्चंस की, यानी शिक्षा शास्त्र के टोटल 30 क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेडागोजी का, बच्चों पर वर्ग में वाद विवाद करने का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, चिंतन क्षमता के विकास पर, दूसरों के विचारों को एकाग्रचित होकर सुनता है, ऑप्शन नंबर सी है, ए बी दोनों ही उपयुक्त में कोई नहीं। पहला ऑप्शन है चिंतन क्षमता के विकास पर, दूसरा दूसरों के विचारों को एकाग्रचित होकर सुनता है, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, यानी चिंतन क्षमता के विकास पर तथा दूसरों के विचारों को एकाग्रचित होकर सुनता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा विश्लेषण विधि, तीसरा संश्लेषण विधि, और चौथा प्रयोगशाला विधि। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा विश्लेषण विधि, तीसरा संश्लेषण, और चौथा प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे। चांद, स्केल, घन, आयताकार किस विषय के अध्ययन में सहायक हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास, और चौथा नागरिक शास्त्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, गणित में चांद, स्केल, घन, आयताकार आदि चीज़ों का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवे नंबर पे। मानचित्र किन किन विषयों की पढ़ाई में सहायक है? इतिहास, भूगोल, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानचित्र किन किन विषयों की पढ़ाई में सहायक है? इतिहास, भूगोल, ये भी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी दोनों, यानी इतिहास और भूगोल दोनों में ही मानचित्र का प्रयोग होता है और सहायक होता है। छठा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, निम्न में से किस विधि द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है? पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगमन विधि के द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से दी गई शिक्षण विधियों में से किस शिक्षण विधि द्वारा इतिहास और साहित्य को पढ़ाना चाहिए? व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि एवं संश्लेषण विधि। पहला व्याख्यान, दूसरा विश्लेषण, तीसरा प्रयोगशाला विधि, तीसरा संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि द्वारा हम लोग को शिक्षण इतिहास और साहित्य को पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय समूह को पढ़ाया जाना चाहिए? विज्ञान और गणित, सामाजिक विषय, भाषा साहित्य, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय समूह को पढ़ाया जाना चाहिए? विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, भाषा साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान व गणित। नौवां क्वेश्चन है, गणित विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? पहला विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ए बी दोनों, प्रयोगशाला विधि। पहला विश्लेषण विधि, दूसरा संश्लेषण विधि, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि दोनों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। दसवां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से आवश्यक शिक्षण सामग्री है? मतलब गणित के शिक्षण के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? पहला दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा हम लोग गणित के शिक्षण कर सकते हैं सही रूप से। और बीसवां क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के स्कूल छोड़ने के निम्न में से प्रमुख कारण हैं? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ए बी दोनों। पहला सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ए और बी दोनों।
यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको चारों ऑप्शन लगेंगे कि इस चारों का चारों सही है, तो इसमें से सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वही आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में बच्चों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, जो सही कारण क्या है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, सामाजिक कारण भी होता है और आर्थिक कारण भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 21वां नंबर पे देखते हैं दोस्तों क्या है, भारत में बच्चे किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा सिक्किम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार में। 22वां नंबर क्या है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई, पहला असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा। भारत के किस राज्य में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन में, शिक्षा छोड़ने के प्रमुख कारण है, विद्यालय की दूरी, आर्थिक बाधाएं, आकस्मिक दुर्घटना, उपयुक्त सभी। पहला विद्यालय की दूरी, आर्थिक बाधाएं, आकस्मिक दुर्घटना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी के कारण विद्यालय छोड़ते हैं बच्चे। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों 24वें नंबर पे, बिहार सरकार ने मजदूर के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं, पहला चरवाहा विद्यालय की स्थापना, पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की व्यवस्था, जातीय शिक्षा की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है चरवाहा विद्यालय की स्थापना, दूसरा पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की व्यवस्था, जातीय शिक्षा की व्यवस्था और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चरवाहा विद्यालय की स्थापना बिहार में की गई है द्वारा की गई है दोस्तों। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों 25वें नंबर पे, बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी क्या है दोस्तों, बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक, राष्ट्र निर्माण में सहायक, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक, राष्ट्र निर्माण में सहायक, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल मजदूरी करेंगे बच्चे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने में सहायक होगा, यानी बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे अगर मजदूरी करेंगे तो वो स्कूल कब जाएंगे। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने से होता है, उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाती है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ए भी दोनों और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाती है, उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनका पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाता है तथा उनका शरीर का विकास भी नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है, विद्यालय की दूरी बच्चों की शिक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, अत्यधिक होने पर विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते हैं, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, अत्यधिक होने पर विद्यार्थी स्कूल नहीं टाइम पे पहुंचते हैं और ए भी दोनों या लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों उपयुक्त में से, मतलब कि ए और बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के विद्यालय के प्रति आकर्षण हो इसके लिए आवश्यक है, विद्यालय भवन का अच्छा होना, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हो, विद्यालय में उचित शिक्षण उपकरण हो, उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है विद्यालय भवन का अच्छा होना, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हो, तीसरा विद्यालय में उचित शिक्षण उपकरण हो और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विद्यालय में भवन भी अच्छा होना चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, विद्यालय में उचित शिक्षण का उपकरण होना चाहिए, बस। अब हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन में, बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है संयुक्त परिवार में, छोटे परिवार में, ए भी दोनों में समान उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त परिवार में, छोटे परिवार में, ए भी दोनों में समान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त परिवार में। अब हम लोग चलते हैं 30वें क्वेश्चन में, विद्यालयों में पढ़ाई अरुचिकर होने के प्रमुख कारण हैं,
व्यवहारिकता का अभाव, वास्तविकता जीवन से असंबंधित, और ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवहारिकता का अभाव, दूसरा वास्तविकता जीवन से संबंधित, असंबंधित, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द रिलीज करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।